मानसून आने से पहले संभावित आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन व आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क हो गया है। बागेश्वर में पहली बार एनडीआरएफ की टीम को उतारा जा रहा है, जो कि किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए मुस्तैद रहेंगे। आपदा के लिहाज से बागेश्वर जनपद को जोन 5 की श्रेणी में रखा गया है। कपकोट क्षेत्र सर्वाधिक आपदा की श्रेणी में आता है। यहाँ हर साल जान माल का नुकसान होता है। इस बार प्रशासन ने आपदा से निपटने के लिए कई तैयारियां की हैं। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहले से ही मौजूद है, लेकिन पहली बार एनडीआरएफ की टीम को भी उतारा जा रहा है, जो कि कपकोट में रखी जाएगी। संचार सेवा भी दुरुस्त करने के लिए सैटेलाइट फोन टीमों को दिए गए हैं। इधर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने संभावित आपदा को देखते हुए सभी आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रख दिया है। आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सोयाल ने बताया कि आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए सभी टीमें अलर्ट मोड पर हैं। ये हमारे मानसून के दृष्टिगत पूर्व में ही डीएमएम के द्वारा और एडीएम सर के द्वारा जो है सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की जा चुकी है, और मानसून में हमने सभी हमारी तहसील में जो कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे वहाँ भी ड्यूटी रह रही है। इसके अलावा मेरे कंट्रोल रूम में विभागीय ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। साथ ही जेसीबी मशीनों का भी डिप्लॉयमेंट की वो कार्रवाई चल रही है, और संवेदनशील स्थानों का हमने चिन्हीकरण कर लिया गया है। और इस बार मॉनसून में हमको एक एनडीआरएफ की टीम मिली है, 45 लोगों की टीम मिल रही है, जिस टीम को हम तहसील कोर्ट में, जो कि क्षेत्र हमारा बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, वहाँ तैनात करेंगे। और कहीं भी अगर कुछ जनपद में घटना घटित होती है तो फिर वो टीम वहाँ रिस्पॉन्स कर सकती है। इसके अलावा हमारी एक एसडीआरएफ की यूनिट जो पहले से ही कपकोट में रह रही है, तो आपसी तालमेल से वो लोग काम करेंगे। साथ ही हमारे तहसील और थानों में जो उपकरण रखे गए हैं उनको भी सत्यापन की कार्रवाई कर ली गई है, और इसके अतिरिक्त तहसील और थाने स्तर से हमारे पास कुछ उपकरणों की अतिरिक्त डिमांड भी आई है, जिनको परचेज करने की भी कार्रवाई की जा रही है। मैडम, संचार का इश्यू रहता है तो आपने सैटेलाइट फ़ोन की डिमांड की थी, कितने अभी प्रेजेंट में आपके पास हैं और कितने की आपको आवश्यकता है? देखिए, हमारे पास जो है शासन से हमको 13 सैटेलाइट फ़ोन अभी दिए गए हैं, जिसमें से 10 सैटेलाइट फ़ोन हमने अभी तहसील कपकोट क्षेत्र के अंतर्गत वितरित किए हैं, और बाकी हमने 29 सैटेलाइट फ़ोन की डिमांड और शासन को भेजी है। संभवतः वो भी हमको शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही संचार व्यवस्था के लिए हमारे मॉनसून अवधि में रिपीटर सेट खड़किया, खलीधार और कर्मी में वापस स्थापित किए जाते हैं, और ताकि कहीं भी कोई घटना होती है और दूरस्थ क्षेत्रों से सूचनाओं का आदान प्रदान हम सुगमतापूर्वक कर सकें। आपदा पीड़ितों के रहने के लिए शेल्टर होम आप बनाते हैं, तो क्या उसमें कोई नई चीज़ें जोड़ी हैं हमने? देखिए, हमने जो शेल्टर्स होम हैं वो संबंधित जो ग्राम होता है वहीं के हम स्कूलों को और जो हमारे पंचायत भवन है उनको बनाते हैं, और उन्हीं भवनों को हमने सभी तहसीलों को ये डीएमएम की तरफ से निर्देश गए थे कि उन जो शेल्टर होम है उनमें सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएंगी। और इसके अतिरिक्त कपकोट में हमारा एक जो शेल्टर होम जाएगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना था, जो कि अब वो तहसील को हैंडओवर किया जाना है, तो उसको थोड़ा रेनोवेट करा के उस शेल्टर होम को भी हम फिलहाल एनडीआरएफ के लिए यूज़ में लाएंगे, और भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा में और आपदा प्रभावितों को भी इस शेल्टर होम में रखा जा सकता है। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।